तो जैन दोस्तों, बहुत दिनों से हमारा कंटेंट आ नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे कारण कुछ ऐसा था कि जब से हम लोग केदारनाथ की यात्रा करके आए, चार धाम यात्रा लास्ट ईयर, उसके बाद से हमारा गोप्रो ख़राब हो गया। तो गोप्रो ख़राब होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, मोटो व्लॉग वगैरह बिल्कुल आना बंद हो गए, और ड्यूटी का शेड्यूल इतना टाइट था कि मोबाइल से शूट करने का कुछ जमा ही नहीं। तो अभी 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है गोप्रो ख़राब होके, और उसको फ़िलहाल अभी हम लोग ने भेजी है बनाने, और कंडीशन कुछ ऐसी थी कि नया गोप्रो ख़रीदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो मेरा पुराना GoPro 8 था, फ़िलहाल उसको भेजा हूँ अभी मुंबई बनाने के लिए मामा के तरफ, इसके पहले ध्यान में नहीं आया। तो आया था मैं GoPro सेंड करने, GoPro सेंड कर रहा हूँ मुंबई, पैकिंग हो गई, बस तो एड्रेस लगाना है, उसको सेंड करना है। नागपुर में कोशिश की हमने GoPro बनाने की, लेकिन यहाँ खोल के देखा वाटर डैमेज नहीं था, और यहाँ बनाना जमता नहीं है लोगों को। तो आखिरी में दो ही ऑप्शन बचे थे, एक तो दिल्ली या मुंबई, दो में से एक जगह कहीं भेजना था। तो मुंबई में थे मेरे मामा ससुरे, तो उधर ही भेज दिया हूँ GoPro बनाने। अभी उसका पता चलेगा बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन उसके पहले हमने एक काम अच्छा हो गया, थोड़े कोशिश करके पैसे वैसे जमा के, बिग बिलियन डे आया था अभी, तो उसमें ऑर्डर किए हमने GoPro। तो बताता हूँ आपको, GoPro एक और ऑर्डर किए हैं, तो दोनों GoPro हो जाएंगे अगर से वो बनता है, तो नहीं तो फिर यही है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं GoPro की, इसकी देखते हैं कैसा है। और यही क्यों लिया ये बताऊंगा मैं आपको बाद में, कि मैंने GoPro ही क्यों लिया या DJI या ऑस्मो एक्शन क्यों नहीं लिया, तो उसके पीछे भी रीज़न है। तो पहले इसको कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इसकी अनबॉक्सिंग कुरियर वाले ने कर दिया था, तो ये थी ओपन डिलीवरी, तो इसमें इसका पूरा चीर फाड़ ये डिलीवरी वाले ही कर देते हैं, और मैं घर पे था नहीं तो मेरे को मौका मिला नहीं इसको अनबॉक्स करने का, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अनबॉक्स अनबॉक्सिंग करने का। तो फिलहाल अभी देखते हैं इसमें क्या है, और GoPro कौन सा है। तो ये देखो, ये है अपना GoPro 12, और इसको कितने खतरनाक तरीके से कल इसको खड़ा है देखो। हाँ ये देखो, ये है डिलीवरी वाले का कमाल। ये देखो, अपन अपनी मेहनत की चीज़ है, तो बहुत अच्छे से और आराम से उसको ये करते हैं। फिर भी मैंने उसको मना करके रखा था, भैया कैमरे का ऊपर का कवर नहीं निकालना, वो तो अपन ही हटाएंगे, उसके हकदार अपन है। ये आया है बॉक्स, ये बॉक्स में मैनुअल टाइप है, ये मैनुअल है उसका, ये कुछ स्टिकर है, बाकी एक है ये टाइप सी टू USB, बाकी एक ये माउंट आया है। बाकी जो इसकी क्वालिटी है ये देखो, बहुत ही बढ़िया है। इसके पहले हेलमेट में मैंने लगाया था, तो अभी तक नहीं निकला, अभी जो नया हेलमेट लेंगे उसमें यूज़ करेंगे इसको। बाकी ये है बैटरी, ये देखो इंडोर बैटरी आती है इसमें, तो 2.5 घंटे के करीब आपका 1080p में इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का समय निकाल के देती है, बढ़िया। एक इंडोर बैटरी, और मेन है अपना, अभी ये मेन है, एक कैमरा, ये देखो मेन है एक कैमरा, तो ये डिलीवरी वाले को मना किया था मैंने निकालने, ये तो अपन ही देखेंगे। हाँ हाँ ये देखो, हाँ ये अपना कैमरा, क्या बात है। तो पहले हटाते हैं इसकी स्क्रीन, ये देखो ये जो स्क्रीन है DJI में, DJI ऑस्मो एक्शन में टच आती है, इसमें नहीं आती है। बाकी ये, अरे आ जा रे भाई, बाकी ये, आ हा क्या फीलिंग है, वाह। ये है इसका, ये बाकी, पहले जब मैंने GoPro 8 लिया था ना, तो उसमें इस प्रकार की पैकिंग नहीं आती थी, अभी देखो बहुत ही बढ़िया आई है ना। ये हो गया अपना GoPro 12, तो अपने लिए GoPro 12। अरे अरे बार, कमज़ोर हो गया इंसान। हाँ तो इसमें डालते हैं अभी फ़िलहाल बैटरी, और इसमें डालेंगे मेमोरी कार्ड। तो ये आ गया अपना 64 GB का मेमोरी कार्ड, ये डाल देंगे इसमें,
देखते चालू करके। तो ये हो गया अपना चालू गोप्रो 12। आ क्या बात है, देखो इसको सेट करेंगे थोड़ा सा, इंग्लिश एग्री ऑन, वॉइस कंट्रोल कंफर्म, एसडी कार्ड भी चेक हो गए। अभी इसमें बोल रहा गोप्रो ऐप इंस्टॉल करो, करते हैं गोप्रो ऐप इंस्टॉल। वैसे तो है मेरे मोबाइल में, उससे कनेक्ट करते हैं फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि फ़िलहाल जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ मेरे मोबाइल से कर रहा हूँ, तो उसी में है गोप्रो का ऐप, तो पहले कनेक्ट कर लेता हूँ फिर शूट करता हूँ। तो दोस्तों गोप्रो हो गया है सेटअप, ये देखो गोप्रो हो चुका है सेटअप। ये हमारे गोप्रो 8 से अच्छा खासा बड़ा है, हमारा गोप्रो 8 थोड़ा छोटा था और हल्का था, मेरे को तो इससे अच्छा गोप्रो 8 ही लगा साइज़ में, और इसमें थोड़ा हैवी है, थोड़ा हल्का था बढ़िया। बाकी ये सेटअप हो गए, अब इसकी वीडियो क्वालिटी देखते हैं बाहर जाके कि कैसी आती है। तो फ़िलहाल अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ गोप्रो 1080p में और 60fps में। फ़िलहाल क्वालिटी देखो कैसी आ रही है अभी वीडियो की, और साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है फ़िलहाल गोप्रो से हो रहा है। तो आ चुका है अपना गोप्रो, 1.5 साल हो चुका है, गोप्रो 8 ख़राब हुआ था, फ़िलहाल अभी मुंबई में गया है बनने के लिए, देखते बनता है क्या। अब यहाँ से अपना आज से सफ़र चालू होगा नया, मोटो व्लॉगिंग वगैरह चालू होंगी। अब बढ़िया लग रहा है अभी, क्या बात है। तो इसमें वायरलेस माइक का भी ऑप्शन है, तो वो भी चेक करेंगे अभी अगले वीडियो में। बाकी ये वीडियो में इतना ही, अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो ऐसा कुछ है अपना गोप्रो 12, और इसमें वायरलेस माइक, अपन हेडफोन वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो बारिश वगैरह आ रही तो उसमें भी चला सकते हैं अपन इसको फ़िलहाल अभी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, और गोप्रो 8 से थोड़ा सा बड़ा है ये। फ़िलहाल हवाएं वगैरह चल रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ हवाएं चल रही है अभी यहाँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ था कारण, तो गोप्रो ख़राब होने की वजह से मोटो व्लॉग नहीं आ रहे थे, और मेन था ड्यूटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम चालू था। अभी कंटिन्यू आपको वीडियो कंटेंट मिलते जाएगा देखने के लिए, कुछ ना कुछ नया और कुछ काम की चीज़ें। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं गोप्रो 12 से, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।